मेरी तरफ से सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को शिमाली अफ्रीका के मुल्क अल्जीरिया के बारे में दिलचस्प मालूमात से आगाह करूंगी। मैं उम्मीद करती हूं आपको शिमाली अफ्रीका के मुल्क अल्जीरिया पर बनाई जाने वाली ये मालूमती वीडियो पसंद आएगी। हस्बे मामूल मेरी आप सभी वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल माई गुलाब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें। अल्जीरिया। अल्जीरिया की कदीम और जदीद तारीख के साथ साथ इस बात से भी पर्दा उठाएंगे कि गरीब मुल्क होने के साथ साथ इस मुल्क पर कोई कर्जा नहीं है। अलजजायर को अरबी में अलजजायर और अंग्रेजी में अल्जीरिया भी कहते हैं। शुमाली अफ्रीका में वाकिया एक मुल्क है। रकबे के एतबार से बहरा रूम पर वाकिया सबसे बड़ा अरब दुनिया और अफ्रीकी बरए आजम में सूडान के बाद सबसे बड़ा मुल्क है। अलजजायर के शमाल मशरक में ट्यूनस, मगरब में मराकश, जनूब मगरब में मगरबी सहारा, मोरितानिया और माली हैं। जनूब मशरक में नाइजर जबकि शमाल में बहरा रूम वाकिया है। इसका रकबा तकरीबन 24 लाख मुरबा मील जबकि आबादी 4 करोड़ 30 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इसका रकबा 23 लाख 81,741 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया में इसका 11वां नंबर है और आबादी के लिहाज से इसका शुमार 34वें नंबर पर होता है। अलजजायर के दारुल हुकूमत का नाम भी अलजजायर है। योम तासीस 5 जुलाई 1962 है और अलजजायर के लोग अपना योम आज़ादी 5 जुलाई को मनाते हैं। अल्जीरिया के परचम का रंग सबस और सफ़ेद है। इसके दरमियान सुर्ख चांद तारा बना हुआ है। सबस रंग मुसलमान और सफ़ेद अमन को जाहिर करता है जबकि सुर्ख चांद तारा आज़ादी के लिए शहीद होने वालों की याद दिलाता है। शादी की कम से कम उम्र 19 साल है। अलजजायर अक़वामे मुत्तहदा आलमी तजारती इदारा तंजीम तआवुन इस्लामी यूनेस्को का भी रुकन है। अलजजायर की फीकस आमदनी 4,000 अमेरिकी डॉलर के लगभग है। डोमेन नेम .dz है और बैन अलावामी फोन कोड +213 है। अलजजायर का ज्यादातर साहली इलाका पथरीला और चट्टानी है और कहीं कहीं पहाड़ भी मिलते हैं। तहम यहाँ कई कुदरती बंदरगाहें भी मौजूद हैं। साहल से लेकर अतलस अलतली तक का इलाका जरखेज है। अतलस अलतली के बाद का इलाका घास के वसीओ गर्ज मैदानों पर मुश्तमिल है जो कोहे अतलस के मशरकी हिस्से तक फैला हुआ है। इसके बाद सहराए सहारा है। वहरान, कस्तुनिया, तेजी विजो और अनाबा बड़े शहर हैं। इस वक्त अफ्रीका में सूडान के बाद अलजजायर सबसे बड़ा मुल्क है। ताहम जुलाई 2011 में जनूबी सूडान की अलीहदगी के बाद अलजजायर अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। अलजजायर का मौसम अमूमन साल भर गर्म रहता है। ताहम सूरज गुरूब होने के बाद खुश्क और साफ हवा से गर्मी जल्द ही ख़त्म हो जाती है और रातों को दर्जा हरारत गिर जाता है। सरकारी तौर पर सबसे ज़्यादा गर्मी इन सलाह में पड़ी जो 50.6 डिग्री रिकॉर्ड की गई। बारिश ज़्यादातर साहली इलाकों पर होती है और बारिश की मकदार मगरब से मशरक को ज़्यादा होती जाती है। अलजजायर में रेत की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। सदर मुल्क का सरबरा होता है जो 5 साल के लिए चुना जाता है। इवाने जेरी को नेशनल पीपल्स असम्बली कहते हैं। इवाने बाला जिसे कौंसल ऑफ नेशनल कहते हैं हर 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं। इस वक्त मुल्क में 40 से ज्यादा सियासी जमातें मौजूद हैं। अल्जीरिया की फौज बरी, बहरी, हवाई और इलाकाई एयर डिफेंस फौजों पर मुश्तमिल है। फौज का सरबराह मुल्क का सदर होता है जिसके पास मुल्की वजीर दफा का ओहदा भी होता है।
19 से 30 साल तक की उम्र के नौजवान मर्दों के लिए फौजी खिदमात लाजमी हैं जो 1.5 साल पर मुहित होती हैं। इसमें 6 माह तरबियत और 1 साल शहरी मंसूबों पर काम करना शामिल है। अलजज़ायर में 48 सूबे, 553 अज़ला और 1541 बल्दियात हैं। मादनी तेल मुल्की मईशियत के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है और कुल कौमी आमदनी का 30% से ज़्यादा पैदा करता है। अलजज़ायर में 160 खरब मकाब फुट कुदरती गैस के ज़रख़ायर मौजूद हैं जो दुनिया भर में 8वें नंबर पर आते हैं। 2006 में अलजज़ायर ने पेरिस क्लब का 8 अरब डॉलर का कर्जा वापस कर दिया है जिससे मुल्की माशियत बेहतर हुई है। अलजज़ायर हमेशा से ही अपने ज़रख़ेज़ ज़मीन के हवाले से मशहूर रहा है। कुल आबादी का 1/4 हिस्सा ज़रात से वाबस्ता है। बोनी खजूरों की बहुत बड़ी तादाद इनके पत्तों के हसूल के लिए काश्त की गई है। जैतून और तंबाकू को भी कामयाब फसलें करार दिया जाता है। अल्जीरिया गरीब मुल्क होने के साथ किसी भी बैंक और बैनुल अक़वामी अदारा का मकरूज नहीं है, ना ही इसने किसी का कर्जा देना है और ना ही किसी से कर्जा लिया है। 30,000 मुरबा किलोमीटर से ज्यादा रकबा गल्ले की पैदावार के लिए मुख्तिस है। अतलस अलतली का इलाका गल्ले के लिए मखसूस है। दीगर फसलों में गंदम, जौ और ओट अहम तरीन है। फलों बिलखसूस रसदार फलों और सब्जियों की काश्त भी अरूज पर और बैरून मुल्क बरामद किए जाते हैं। अलजज़ायर की बरामदात में अंजीर, खजूरें और काक शामिल हैं। अल्जीरिया की जंगली हयात में लूमड़ी, चीते और सांप कसरत से पाए जाते हैं। 2010 के तखमीने के मुताबिक अलजज़ायर की आबादी 3,48,95,000 अफराद पर मुश्तमिल है जिसमें 99% अरब या बर्बर अल नसल हैं। अल्जीरिया के 90% से ज़्यादा बशंदे शमाली साहली इलाकों पर रहते हैं। आबादी का कुछ हिस्सा सहराए सहारा में भी रहाइश पजीर है। आबादी का तकरीबन 1/3 हिस्सा 15 साल से कम उम्र है। तकरीबन 83% आबादी अलजज़ायरी अरबी बोलती है जबकि 15% के करीब लोग बर्बर लहजे को अपनाते हैं। फ्रांसीसी को भी बड़े पैमाने पर समझा जाता है। सेहत की सहूलत की कमी मुल्क के लिए एक संगीन मसला है जो बहुत बड़ी तादाद में आबादी के शहरों की तरफ रुख करने से पैदा हुआ है। अल्जीरिया के खानों में गोश्त, मछली और गंदम बकसरत इस्तेमाल की जाती है क्योंकि 90% शहरी और 80% देहाती आबादी ही साफ पानी पर दस्तरस्त रखती है जबकि यहाँ पर 1,000 अफराद पर एक डॉक्टर और 2 नर्सें मौजूद हैं और दांतों के इलाज के लिए 4,000 अफराद पर एक डॉक्टर मौजूद है। अल्जीरिया में सेहत की सहूलत तसल्ली बख्श तसव्वुर नहीं की जाती। अल्जीरिया की करेंसी को अल्जीरियन दिनार कहा जाता है जो 1 अल्जीरियन दिनार के मुकाबले में पाकिस्तानी 1.30 रुपये बनता है। अल्जीरिया के वकला में से 30% और जजों में से 60% भी ख्वातीन। सेहत के शुबे में भी ख्वातीन की अजारादारी है। घरेलू आमदनी में मर्दों की निस्बत औरतों का हिस्सा बढ़ रहा है। 6 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए तालीम लाजमी है जबकि बालिग आबादी का 5% अनपढ़ है। अल्जीरिया में 46 यूनिवर्सिटियाँ, 10 कॉलेज और 7 अदारे आला तलीम देते हैं। अलजज़ायर में तलीमी निज़ाम बुनियादी जजल सेकेंडरी और टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटियों में 60% भी ख़वातीन तलबात हैं जबकि अल्जीरिया की शराह ख़वानदगी 69% तक है। अल्जीरिया की सरकारी जबान अरबी है जबकि बर्बर जबान को कुल आबादी का तकरीबन 40% हिस्सा बोलता है। फ्रांसीसी जबान अलजज़ायर बशंतों की अक्सरियत इसे समझ और बोल सकती है ताहम रोज़मर्रा इस्तेमाल में नहीं आती। 99% आबादी का मजहब इस्लाम है। तकरीबन सारे ही अफराद सुन्नी फिरका से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्जीरिया में 2.5 लाख मसीही आबादी भी है। अल्जीरिया 1960 के अशरे तक अलजज़ायर में यहूदियों की आबादी काफ़ी थी ताहम बाद में यहूदी यहाँ से दीगर मुल्कों को मुंतकिल हो गए। पीने के साफ पानी तक रसाई 92% शहरी और 80% देहाती अफराद तक महदूद थी। अमूमन गरीबों को सेहत की सहूलियात मुफ्त मुहैया की जाती हैं।
بالغ آبادی کا 5% ان پڑھ ہے۔ بنیادی سکول 9 سالہ تعلیم پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ الجیریا کی 12% زمین رہائش کے قابل ہے۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے دلچسپ معلومات کے اس چینل پر لاتی رہوں گی۔ بس آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آرا سے آگاہ رکھا کریں۔ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی حوصلہ افزائی کریں۔